थाने में दर्ज पुराने मामले को आपस में सुलझाने के लिए छिड़े विवाद ने भयंकर रूप धारण कर लिया, जिसमें एक 70 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई। मामला अजनी परिसर का बताया जा रहा है, जहां मृतक 70 वर्षीय जानकी प्रसाद रामपतिया चौधरी है, जिन्हें विवाद के चलते एक 24 वर्षीय युवक ने ही मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक 27 वर्षीय जानकी प्रसाद रामपतिया चौधरी है। बताया जा रहा है कि आरोपी रमेश विदेशी राम वर्मा उम्र 48 वर्ष के परिवार के लोगों का मृतक जानकी प्रसाद चौधरी के परिवार से साल 2017 की 31st पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें जानकी प्रसाद के परिवार में से किसी ने आरोपी रमेश वर्मा के किसी मेहमान पर चाकू से हमला कर उसे जख्मी कर दिया था। यह मामला थाने भी पहुंचा था। बीती शुक्रवार रात चौधरी परिवार अपने एक रिश्तेदार के घर किसी प्रोग्राम में गए हुए थे। रात करीब 11 बजे के दौरान वो घर वापस लौट रहे थे। उसी दौरान रामेश्वरी पुल के पास रमेश वर्मा ने सुनील चौधरी को रोका और पुराने मामले को निपटाने के लिए कहा। कोर्ट में मामला शुरू होने की बात करते हुए सुनील चौधरी वहां से निकलने लगे, तो उसी दौरान उनका दूसरा भाई अनिल चौधरी भी वहां पहुंच गया। तब आरोपी रमेश वर्मा ने गाली गलौज शुरू कर दी। इस घटना के बाद आरोपी रमेश वर्मा अपने बेटे सुमित वर्मा के साथ लाठी और ईंट पत्थर लेकर सुनील चौधरी के घर पहुंचे और जोर जोर से गालियां देने लगे। आवाज सुनकर जानकी प्रसाद चौधरी बाहर निकले, तब आरोपियों ने बुजुर्ग जानकी प्रसाद को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और लकड़ी के डंडे से वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस घटना के बाद आरोपी वहां से भाग निकले और परिजनों ने पड़ोसियों की मदद से घायल जानकी प्रसाद चौधरी को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना की शिकायत मिलने के बाद देर रात पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है और आगे की जाँच कर रही है। वो मेरे पिताजी है जानकी प्रसाद चौधरी, मैं उनका लड़का हूँ अनिल चौधरी। हम लोग अपने मामा के यहाँ गए थे, खाने का प्रोग्राम था, तो हमने लेडीज़ लोगों को पहले ही भेज दिया था, रात हो रही थी। तो उसके बाद हमारा भाई आया तो रमेश वर्मा ने हाथ देके उसको रोका और बोले तुम्हारा जो पुराना मैटर है वो मैं सेटलमेंट करवा दूँगा, पैसा लगेगा और पार्टी लगेगी। तो मेरे भाई ने बोला कि हमारा वकील है, वो देख लेगा। उसके बाद मैं अपनी बच्चियों को लेके आ रहा था तो मैंने अपने भाई को वहाँ खड़ा पाया, तो मैंने उससे पूछा भाई कहाँ क्या कर रहा है यहाँ पर। तो रमेश वर्मा ने गाली देना शुरू किया मुझे, तो मैंने उसे मना किया कि सर गाली मत दीजिए, लड़कियाँ साथ में है मेरे। तो उतने में फिर और गालियाँ देने लगा, तो मैंने अपनी बाइक को किक मारी और घर आ गया और साथ में मेरा भाई भी आ गया। फिर उसी के फिर वो लोग पीछे से ये लेकर आए लट बल्ले अपने, ये क्या बोलते ईंटे वगैरह, दो जन थे सुमित वर्मा और अपना रमेश वर्मा, और उन्होंने फिर मारा पीटी चालू किया और हमारे पिताजी को मार दिया यहाँ सर पे। फिर तुरंत लेकर गए सर, बच्चे लोग लेकर गए। प्राधिक प्रवृत्ति होती है सर वहाँ पे दारू वगैरह पी जाती है, गांजा वगैरह पिया जाता है और बहुत से लोग वहाँ जमा होते हैं। कभी ऑटो आता है, ऑटो में भी ये सब चलते रहता है रात बिरात। हमारे यहाँ की जो लेडीज़ें वगैरह हैं उनको बहुत प्रॉब्लम जाता है, यहाँ आने जाने में दिक्कत होती है रात बिरात, कोई आ जा नहीं सकता वहाँ से लेडीज़ लोग। अजनी पुलिस स्टेशन हद्दीमदे रामेश्वरी एरिया काल रात्री साधारण 11 वाजे सुमारास एक जानकी प्रसाद चौधरी ये 70 वर्ष वयाचे इसम आहेत, यांची काल मृतक आहे, यांचं नाव यांचे हे मयत झालेले आहेत। याच्यामध्ये सुनील चौधरी नावाचे फिर्यादी आहेत, जे मृतकाचे मुलगा आहे। सुनील चौधरी आणि या गुन्ह्यातील आरोपी रमेश वर्मा असे रामेश्वरी परिसरामध्ये एकाच परिसरात राहणारे आहेत। यापूर्वी रमेश वर्मा यांच्या तक्रारीवरनं 2018 एक गुन्हा दाखल आहे, ज्यामध्ये सुनील चौधरी आणि त्यांचा भाऊ अनिल चौधरी असे आरोपी आहेत। तर त्या गुन्ह्याची केस सध्या ट्रायलवर आहे, त्या संबंधानेच सुनील चौधरी आणि रमेश वर्मा यांची रात्री दहा साडेदहा वाजेच्या सुमारास त्या गुन्ह्याच्या याच्यावरनं चर्चा सुरू असताना त्यावेळी तिथे त्यांचा दुसरा भाऊ अनिल चौधरी आला आणि त्यांच्यामध्ये आपसात बाचाबाची झाली, त्यानंतर ते सगळे घरी गेले।
परंतु या बाचाबाचीमुळे यातील आरोपी रमेश वर्मा व त्यांचा मुलगा सुमित वर्मा असे पुन्हा फिर्यादी सुनील चौधरी यांच्या घराजवळ जाऊन आरडाओरडा करून शिवीगाळ करून त्यांना मारण्यासाठी जात होते. तर त्यावेळी सुनील चौधरी यांचे वडील जानकी प्रसाद चौधरी ज्यांचं वय 70 वर्ष आहे ते बाहेर आले आणि आरोपी रमेश वर्मा याला समजावत असताना त्यांनी त्यांच्या हातातील काठीने त्यांना डोक्याच्या बाजूला उजव्या बाजूला मारलं, मारहाण केली, त्यामुळे ते जमिनीवर पडले आणि जखमी अवस्थेत त्यांना GMC उपचाराकरिता भरती केले असता उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झालेला आहे. अगदी बरोबर, हे यांचा हा जो आरोपी आहे त्यांच्यावरती सध्या रेकॉर्ड पडताळणी सुरू आहे, परंतु त्यांच्या त्या दोघांवरतीही एक 324 पूर्वी 7-8 वर्षापूर्वीचा गुन्हा आहे अशी माहिती प्राप्त आहे. आणखी तपास आम्ही करत आहोत. या दोन्ही आरोपींना रात्रीच ताब्यात घेतलेलं आहे आणि त्यांच्याकडे चौकशी करण्यात आली असता त्यांचा रोल त्याच्यामध्ये निष्पन्न झालेला आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांना या गुन्ह्यामध्ये अटक करत आहोत. NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट.